टाटा नैनो देश में मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। हालांकि मार्केट में यह छोटी कार अपना रंग नहीं जमा पाई। इस कार के साथ एक और शुरुआत करते हुए ओला इसकी 400 कार को खरीदने पर विचार कर रही है। कोयम्बटूर के जयम ऑटोमोटिव्स इस कार का पहला इलेक्ट्रिक वर्जन तैयार कर रहे हैं, जिसे जयम नैनो नाम दिया जाएगा। इस नई इलेक्ट्रिक नैनो को जयम बैच के साथ मार्केट में उतारा जाएगा। हालांकि इस कार को आप अपने इस्तेमाल के लिए नहीं खरीद सकेंगे, क्योंकि इस कार को सिर्फ कमर्शियल तौर पर लाया जाएगा। जयम ऑटो को सरकार की तरफ से 1.24 लाख की सब्सिडी दी गई है। इस नई रीब्रांड नैनो की शुरुआती बैच की 400 यूनिट्स को कैब सेवा प्रदाता कंपनी ओला को दिया जाएगा। जयम ऑटो इस न्यू कार के लुक्स में कुछ बदलाव करेगा। कार के ज्यादातर फीचर्स नैनो के पेट्रोल वर्जन से लिए जाएंगे, जिनमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, सेंटर लॉकिंग, ब्लूटूथ, 12वीं पावर सॉकेट आदि होंगे। जयम न्यू इलेक्ट्रिक नैनो में 48 वोल्ट का मोटर होगा, जो 23 BHP पावर से लैस होगा। इस कार का वजन 800 किलोग्राम होगा। ARAI के मुताबिक यह कार सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर तक चलेगी और AC के इस्तेमाल से यह 140 किलोमीटर तक सफर करने की क्षमता रखेगी।